हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं वीरेंद्र आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी की मैथ, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय एक वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स के बारे में। आज हमारा प्रश्नावली 1.2 का क्लास तीसरा है, ठीक है। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स इस क्लास के पिछले वाले क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको ऊपर मिल जाएगा ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स में, ठीक है, वहाँ से आप पिछले आप क्लास भी देख सकते हैं, ठीक। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दें, ठीक, लाइक सब्सक्राइब फटाफट अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियो अब तक आसानी से पहुंचते रहे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कुछ, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो यूपी बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं, जो हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाती हैं, ठीक। आज यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल होता है, ठीक है। दो संख्याओं का मतलब दो संख्याएं दी होती हैं, उनका गुणनफल हमारा HCF और LCM जो आता है उनके गुणनफल के इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। पहले इसको सॉल्व करने के बाद हमें जाँच करना है कि क्या हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं इससे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा आइए हल करते हैं, ठीक। तो हल हो जाएगा, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितने का करना है, 336 का। तो आइए 336 का अभाज्य गुणनखंड, 336 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड करेंगे हम तो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, फिर आ जाएगा 3 × 3 × 7, ठीक है, इतना आएगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो ऐसा गुणनखंड जो किसी और संख्या से डिविजिबल ना हो, जैसे 2 है, 2 और किसी संख्या से नहीं करेगा, 3 है, 3 भी और किसी संख्या से नहीं करेगी, 7 है, ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अब अगला क्या है, 54, ठीक है, 54 का हम भी फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है, 2 × 3 = 6 = 36 = 18 = 54, ठीक है। फिर इसके बाद हम HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए उभयनिष्ठ मतलब इसमें जो कॉमन होता है उसको हम निकाल लेते हैं HCF के लिए। तो HCF के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अतः HCF हमारा कितना हो जाएगा, कॉमन कॉमन देखिए
क्या है, एक ए है दो और बाकी एक यहाँ से तीन, ठीक। इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। आपको देखने में सुविधा होगी इसलिए हम ऐसे बना दिए हैं, ठीक। बनाया नहीं जाता इसको, आप यहाँ से मेजर करके देख के लिख सकते हैं। तो हमारा कॉमन क्या है, दो है गुड़े तीन, जो जो कॉमन होता है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद उसका गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, छः। छः हमारा क्या हुआ, एस सी एफ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, अब हमें एल सी एम निकालना है। अब एल सी एम होगा क्या था, अब एल सी एम, एल सी एम हमारा कितना हो जाएगा, एल सी एम के लिए हम जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, बाकी जो बचे रहते हैं उसको भी लिख लेते हैं। तो कॉमन है दो, एक को, फिर कितने दो बचे हैं, एक दो तीन दो, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं गुड़े दो, सॉरी यहाँ पे दो होगा, ठीक, और गुड़े दो दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, ठीक है, एक बारी वाला, फिर बाकी तीन ठो, ठीक। और गुड़े तीन, एक कामन वाला होगा, बाकी दो ठो बचे हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं गुड़े तीन, और फिर एक ठो बच गया, ठीक। तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक, सेवन। अब सभी का गुणा कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, फिर सभी का हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करके कितना प्राप्त होगा, गुणा करने के बाद आ जाएगा 3024, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3024, ये क्या है हमारा एल सी एम, ठीक है। अब हमें क्या करना है आगे, आगे हमें क्या करना था, जांच करना था। जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा एच सी एफ और एल सी एम के गुणनफल के, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या हमारा यह जो समीकरण है सही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा, ठीक है, एच सी एफ और एल सी एम के गुणनफल के, एल सी एम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से करते हैं ना, प्रूफ करना है ना, जांच करना है, तो एल एच एस से, ठीक, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो संख्याओं का गुणनफल क्या लिखेंगे हम, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल हो जाएगा। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक है 336, दूसरा है 54, ठीक है, 336 और 54। तो इसका गुणा करके कितना प्राप्त होगा हमारा, गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा 18,144, ठीक है। इतना हमारा आ जाएगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हम आर एच एस से करके भी देख लेते हैं, आर एच एस से, ठीक। तो आर एच एस राइट हैंड साइड, ठीक। तो राइट हैंड साइड में क्या है, एल सी एम, सॉरी क्या है, एस सी एफ और एल सी एम का गुणनफल, एल सी एम, ठीक है। तो इसमें एल सी एम हमारा कितना आया था, सॉरी एस सी एफ, एस सी एफ हमारा आया था 6, ठीक है, यहाँ पे देखिए ना 6 है ना, तो हमारा आया था 6, तो कर देते हैं 6, ठीक है। एच सी एफ हो गया 6, और एल सी एम कितना आया था, एल सी एम हमारा आया था 3024, मतलब 3024, ठीक है।
तो 3024 हो जाएगा HCF। अब इसका गुणनफल हमारा कितना आ जाएगा, आएगा 18,144। ठीक, यानी हमारा दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल बराबर आए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, दैट्स प्रूफ। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप कि दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो अगर बात अच्छे से समझ में आ गई तो फटाफट लाइक करिए, ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सभी को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, तो आइए कुछ क्वेश्चन और हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 अब प्लस 13, ठीक है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और धन 5, ठीक है, यह क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, यह हमें प्रूव करना है कि यह भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो दोस्तों आइए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, हमें प्रूव करना है। तो हमारा हल करते हैं। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे दिया है 7 × 11 × 13 = 13, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे 13 देखिए इसमें है और इसमें है, तो 13 हमारा कॉमन हो जाएगा ना यहाँ से, ये सभी गुणे में है और धन फिर 13 है, यहाँ पे गुणा एक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए 13 ही होगा। ठीक, तो यहाँ से हम 13 कॉमन हमारा हो जाएगा। ठीक, तो 13 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर कितना बच जाएगा, 7 × 11 यहाँ पे, ठीक है, 7 × 11 धन यहाँ पे 13 बाहर आ गया तो एक बचा। ठीक, एक ही बचेगा, इतना आया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे इसका मतलब गुणा करके इसको ऐड करो, कितना आएगा 11 × 77 अब प्लस 1, कितना हो जाएगा 77 अधन 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, 77 धन 1 कितना हो जाएगा 78, इतना आया। अब इसको 13 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 1014। ठीक है, 1014 क्या है, ये अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो क्या है, दो से जो संख्याएं दो से डिविजिबल हो जाती है या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, और जिसमें दो का भाग नहीं जाता वो अभाज्य संख्याएं। तो हमारा क्या कह सकते हैं कि 1014 क्या है, 1014 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, तो आगे देखते हैं, आगे हमें इसको भी लिखना है। ठीक, तो आइए लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको, कितना दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और फिर बाहर दिया है कितना प्लस 5। ठीक है,
यहाँ तक बात समझ में आई? तो इतना दिया हुआ है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? इसको भी लिखेंगे यहाँ पे इक्वल देके। सबसे पहले हम इसमें देखिए, पांच इसमें है ठीक है, यहाँ पे पांच भी है इसमें और यहाँ पे भी पांच है, तो पांच हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन, 5 कॉमन हो गया ठीक। फिर इसमें क्या बचा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? और धन कितना बचेगा? 1, हम कॉमन ले लिए यहाँ से, बात वही थी, यहाँ पे भी 13 था, यहाँ पे 5 5 था, 13 हम कॉमन लिए थे, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचा था, तो यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम क्या करते हैं, 5 5 और अंदर का गुणा करते हैं ठीक, अंदर का सभी का गुणा कर लेते हैं। तो हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा अंदर, सभी का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1008 ठीक है, 1008 और धन 1 ठीक। अब आगे इसको ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई ठीक, हो जाएगा हमारा कितना, 1008 और 1 जोड़ लेंगे तो 1009 हो जाएगा ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे आगे 5 का गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो 5 9 45, 5 4 5 कम 5 0 ठीक, आ जाएगा 5054। 5054 क्या है? एक भाज्य संख्या, 5 से डिविजिबल है ना, देखिए तो हमारा 5045 कितना क्या है? एक भाज्य संख्या जो कि 5 से डिविजिबल है, मतलब इसका 5 में भाग चला जाएगा, इसका 5 से भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है ठीक है। आपकी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से कि भाज्य संख्या क्यों है ठीक है। भाज्य संख्याएं जो अदर संख्याओं से कट जाए ठीक है वो भाज्य संख्या होती है, और जो स्वयं से या एक से केवल कटे वो अभाज्य संख्या ठीक, ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। तो हमारा यह प्रूफ हो गया ठीक कि यह दोनों क्या था, एक भाज्य संख्या क्यों है, पूछ रहा है ना, पूछ रहा था कि यह दोनों प्रूफ करिए कि यह दोनों एक भाज्य संख्या क्यों है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया कि भाज्य संख्या है ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं प्रूफ। तो आई होप कि दोस्तों यह बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसे डिस्कस करना हमने दिखा दिया डिस्कस करके। तो दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आएगी, तो आगे और एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था ठीक है, तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है ठीक है दोस्तों, तो आइए वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है किसी खेत के मैदान में, मैदान के चारों ओर किसी खेत के खेल के सॉरी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट ठीक है, कितना मिनट? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट ठीक है, रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को कितने? 18 मिनट। तो क्या कराएं, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर
चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, करा है एक ही दिशा में चलते हैं। तो आगे क्या करा है, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कोई एक तेज चल रहा है ना, देखो सोनिया 18 मिनट ले रही है, मतलब रवि 12 मिनट एक चक्कर लगाने में, तो रवि तेज चल रहा होगा इसलिए तो दोनों एक साथ तो मिलेंगे नहीं। तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद फिर पुनः एक स्थान पर वही स्थान पर मिलेंगे, हमें यही टाइम निकालना है कितने समय बाद, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हल हो जाएगा हमारा, हल हल करके देखते हैं। तो दोस्तों सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, सबसे पहले लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है। तो सोनिया सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना, समय लगा समय, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा था, कितना 18 मिनट, ठीक है। और रवि को, अगला है रवि को कितना समय लग रहा है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 12 मिनट, यानी रवि तेज चला है, लड़का है ना इसीलिए तेज चल रहा है, लड़कियां धीमे चलती हैं, है ना, अधिकतर लड़कियां धीमे ही चलती हैं, वैसे तेज नहीं चलना चाहिए, तेज चलेंगे गिर जाएंगे और आगे का दांत टूट जाएगा, है ना। तो तेज चलिए लेकिन संभल के चलिए, तेज चलना जरूरी है हमारे जिन लाइफ में, तेज आगे बढ़ना है तो तेज चलना जरूरी है, ठीक है। लेकिन हाँ दौड़ने के लिए नहीं तेज चलना है। तो दोस्तों दौड़ो दौड़ो लेकिन आराम से, देख के संभल के दौड़ो, ठीक है। तो दोस्तों आगे क्या कहता है, आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे, ये तो हो गए जोर सपाट। तो अगला आगे क्या आता है, कितना लगा था रवि को, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो दोस्तों क्या करा है क्वेश्चन में, करा कि मान लीजिए कोई एक खेल का मैदान है, ठीक है, जिस पे सर्किल में वृत्ताकार पथ है, उस पर दौड़ लगाना मतलब चलना है, ठीक है। तो सोनिया और रवि यहाँ से प्रारंभ करते हैं, सोनिया एंड रवि, ठीक है, यस से सोनिया और आर से रवि यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से इधर डायरेक्शन में चलें और ए भी सोनिया भी और रवि भी इसी डायरेक्शन में चला, अब ऐसे ऐसे रवि कितने तेज चला है, 12, मान लीजिए रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा ले रहा है, ठीक, यहाँ पे एक चक्कर में आ जा रहा है, और सोनिया कितने में आ रही है, 18 मिनट में यहाँ पे आ रही है। तो रवि जब एक चक्कर लगाएगा तो सोनिया भी इधर ही रही होगी, ठीक है, सोनिया इधर ही रहेगी, रवि यहाँ पे आ गया होगा, तो फिर अगला चक्कर लगाएगा तो अगला चक्कर मान लो रवि यहाँ पे आया तो सोनिया यहाँ पे आएगी, है ना। ऐसे ऐसे कितने समय लग जाएगा कि दोनों एक साथ यहीं पे मिलेंगे, ठीक है, यही हमें दिखाना है। तो आइए देखते हैं, तो क्या करेगा, क्या करना है हमें, तो सबसे पहले वे दोनों जो दोनों चक्करों का उनके समय का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम, सोनिया द्वारा लगाए गए समय एक चक्कर लगाने में समय जो है, और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय,
दोनों समय का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो आइए, तो हम कह सकते हैं क्योंकि वे दोनों एक ही समय और एक ही दिशा में चलते हैं, इसलिए हम एलसीएम इनका समय के एलसीएम निकालेंगे, ठीक। तो क्या कहेंगे, देखिए, चूंकि वे दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही समय पर और एक ही समय पर चलते हैं, ठीक। इसलिए दोनों का दोनों समयों का एलसीएम लेने पर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, क्या क्या करना है। क्योंकि वे दोनों एक ही समय पर और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए हम दोनों समयों का क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले कितना है, 18। 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा हमारा, इसका 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 3, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम, एलसीएम के लिए हम क्या बताए थे, कॉमन वाला रहेगा फिर बाकी जो बचेगा उसको भी। तो एलसीएम, अतः एलसीएम कितने का, 18 और 12 का एलसीएम, ना, ठीक है। यहाँ पर दर्शाना ज़रूरी है कि हम किसका एलसीएम लिख रहे हैं, 18 और 12 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉमन वाला 2 × बचा क्या है, 2, फिर 3 वाला कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, फिर 1 से बच गया 3, तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई, एलसीएम कैसे हम लिखते हैं। अब सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 36। 36 यही क्या है, हमारा एक मिलने का समय है इन दोनों के, एक साथ एक ही पॉइंट पे, वहीं पे जहाँ से प्रारंभ किए थे वहीं पे मिलने का समय है। तो लिख सकते हैं हम, अतः अतः कितने मिनट में, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि, उसी स्थान पर मिलेंगे, मतलब उसी स्थान पर, मतलब जहाँ से प्रारंभ किए थे, प्रारंभिक स्थान पे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर है, ठीक। तो दोस्तों, आई होप कि यह बात आपको, यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका सलूशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गई, आगे हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को लिखिए, और हमें कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है तो
तभी बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।